ऐसे करूंगी ऐसे, ये टाई एंड ये डाई। कुछ खोपड़ी में आया तो कुछ करने का इरादा है, टाई एंड डाई करके दिखाते हैं आपको आज। और वो भी तो करना है ना, ईद की भी हमने सोचना है कि हमने क्या करना है। मेरी बिल्ली हर जगह, जब तक ये चीज़ सूंघेगी नहीं उसको क्या करेंगे, उसको अप्रूव नहीं करेगी तो आप नहीं कर सकते कोई भी काम। नेवर 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 चले जी, हम इसको करेंगे टाई। टाई कैसे करते हैं वो भी दिखाते हैं। कलर करेंगे, सिंगल कलर करूँगी, डबल नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे जहन में है ट्राउज़र वो सिंगल कलर भी अच्छा लगेगा और ऑलमोस्ट सबके साथ जाएगा। ठीक है जी, ब्लैक हैंड्स, कितने सांवले हो रहे हैं हाथ। अभी तो मैं बाहर नहीं गई, इफ़ आई गो आउटसाइड देन आई विल बर्न। आज हम करने जा रहे हैं टाई एंड डाई कलर, टाई एंड डाई, हाँ टाई एंड डाई सिंगल कलर कर रही हूँ। तो ये पानी बॉइल होता है तो हम इसमें डालेंगे नमक और एक चुटकी सर्फ डालेंगे। नमक डालने से खुला नमक है, खुला कलर पक्का होता है। दो ढाई टेबल स्पून नमक, अब इसमें कलर डाल के उसको पकने देंगे। पहले ये थोड़ा पक जाए, फिर हम एक काम करेंगे इसमें से थोड़ा सा लेंगे पानी और उसमें कलर मिक्स करके फिर कलर इसमें डालेंगे। चमचा नया था, मम्मी का ख़राब हो गया। अच्छा कोई शीट वीट ज़रूर उसमें कर लें, क्या प्लेटफॉर्म पे बिछा दें क्योंकि कलर गिरता है तो फिर साफ तो हो जाता है, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सफाई करने में। थोड़ा सा पानी लेंगे पका हुआ ऐसे, अब इसमें हम कलर डालेंगे। मैं कर रही हूँ ब्लू कलर, ये थोड़ा पक जाएगा तो फिर इसके अंदर हम जो है वो अपना कपड़ा डालेंगे। बॉयल होना शुरू होगा, पकेगा, कलर पकता है, जितना पकता है उतना ही उसका अच्छा कलर आता है। तो यानी कपड़ा टाई करके रखा हुआ है अच्छी तरह से, सही है। और जब आप डालने लगते हो उससे पहले कपड़े को आप भिगो देते हैं, फिर उसके बाद उसको निचोड़ के कलर के अंदर डालते हो ताकि कलर जो है बगैर ड्राई आप डालोगे कपड़ा तो उसमें कलर चढ़ने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो इसलिए पहले आप उसको गीला कर लेते हो, फिर उसको निचोड़ के अच्छी तरह से फिर इसके अंदर डालो और फिर डाल के उसको थोड़ा पकाओ। कलर आपको गहरा चाहिए तो आप जो है उसको ज़्यादा देर पकाते हो, हल्का चाहिए तो निकाल लो, डिपेंड करता है आपके उसके। चलें ये बॉयल होना शुरू हो गए, अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे कपड़ा। अभी आपके सामने मैं इसको निचोड़ूंगी, मैंने सिर्फ इसके बॉर्डर पे जो है वो टाई किया है, डिज़ाइन मेरे बॉर्डर्स पे चले गए। अब ये सरप्राइज है कि ये क्या होगा। ऐसे दबा के और यानी कि ऊपर आ जाता है कपड़ा तो फिर लाइट और डार्क कलर हो जाता है, तो आप इसको साथ साथ उसको पुश करते जाओ और हर 5 मिनट तक तो एटलीस्ट ये पके इसके अंदर, क्योंकि फिर जब आप इसको पानी में डालोगे तो काफ़ी सारा कलर वैसे ही निकल जाता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा देर इसको पकाओ ताकि
जितना कलर निकलना है निकल गया और आपके उस पर एटलीस्ट चढ़ा तो हो कपड़े पे कलर। ठीक है जी। अच्छा जी, जो साथ दूसरी देगची रखी है उसके अंदर मैंने पानी डाला है, वो जब बॉयल होगा उसके अंदर हम डालेंगे फिक्सिंग ऑयल। जब आप कपड़े को कलर कर लेते हो उसके बाद उसको कलर को फिक्स करने के लिए आप फिर डालते हो फिक्सिंग ऑयल, और यानी 2 टेबलस्पून फिक्सिंग ऑयल डालेंगे इस पानी में और साथ 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और इसको फिर कपड़े को जब इसमें से निकाल के फिर इसमें डालेंगे। ठीक है, एहतियात से करना है क्योंकि जब ऐसे करो तो पानी उछल के आता है और आपके कपड़े ख़राब होते हैं, दबा रहे तब भी इसमें से पानी उबल उबल के इधर से उधर गिरता है, तो इसको सारे इसको छोड़ दें। अच्छा, इसको खोले बगैर ही डालेंगे फिक्सिंग ऑयल में, ये नहीं करेंगे आप खोल के डालें, नो, क्योंकि अगर आप खोल के डालेंगे तो जो आपने टाई किया है उसके ऊपर भी कलर आ जाएगा, तो पहले फिक्स हो जाएगा उसके बाद उसको हम करेंगे। बहुत तेल। ठीक है जी, ये हो गया। ऐसे आपने ठंडा पानी साथ रखा होगा उसके अंदर आपने डालना है, इसमें से एक्सेस सारा कलर निकल रहा है। इसको ले जाके अब मैं सिंक में इसको करती हूँ वॉश। ठीक है, और इतनी और ये साथ ही आप इससे पहले जब वो वाला पानी बॉईल करने लगें कलर का तो इसको भी साथ ही कर लें बॉईल, ताकि वेट ना करना पड़े आपको, जैसे मैं भूल गई थी करना तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी देर में मैं इसको वॉश करती हूँ। फिक्सिंग ऑयल में डाल के उसके बाद फिर इसको एक ठंडे पानी में डालेंगे। पानी बॉयल हो रहा है, इसमें डाल देते हैं वो टू फिक्सिंग ऑयल ना भी हो तो आप नमक ज़्यादा डाल के, यानी 3-4 टेबलस्पून डाल के तब आप कर लो, उससे ये होगा कि वो फिक्सिंग ऑयल का काम ही कर देता है, नमक से पक्का हो जाता काम। यानी अगर नहीं आपके पास फिक्सिंग ऑयल तो आप नमक डाल के भी इसको कर सकते हो, तो पका के ये कपड़ा हम इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर डाल के इसको 10 मिनट तक इसको पड़ा रहने में, इसके अंदर 10 मिनट्स के लिए इसको इसमें भिगो के रख दें, पक रहा है नीचे तो 5 मिनट तक पकेगा, उसके बाद इसको मज़ीद 5 मिनट देंगे बंद करके चूल्हा, इसमें इस पड़ा रहेगा। लुक, मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के गई और इसने क्या किया, चूल्हे का हो गया हाशर और उसके बाद अम्मी करेंगे मेरा हाशर। हाय हाय, चले जी हो गया है तो इसलिए जब हो तो कहीं इर्द गिर्द ही रहिएगा, उसको छोड़ के मत जाइएगा। और सबसे बड़ी गलती कि मेरी देगची छोटी है, अगर मेरी देगची बड़ी होती तो ये कुछ ना होता, बंद करें इसको। ठीक है, अब हम इसको निकाल रहे हैं और उसके बाद इसको करेंगे हम टांडे पानी में। टैप वाटर, टांडा पानी इसको खोल के देखते हैं कलर से उसका। अब ये धागे आप दोबारा यूज़ कर सकते हो इस पर, जब इसको ये अब किसी भी कपड़े पे बांधोगे इसके ऊपर कलर होगा ना तो वो उस पर भी आ जाएगा, तो बड़ी मज़े की जो है लाइंस सी बन जाती हैं। कुछ आ गया, हाँ हाँ आला ना, गुड गुड आई तो गुड हो गया। सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ टाइम डाई, आई लाइक इट, आई लव इट, दिस इज द रिजल्ट। सी कितना प्यारा लग रहा है माई टाइंड है। अब ये सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए कि मैं इसका क्या बनाऊंगा। अब माँ रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसको जब
ये अभी आपको नहीं बता रही ये क्या चीज़ है, ये जब बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्या चीज़ बनी है, किस चीज़ के लिए मैंने कलर किया है। ठीक है, ओके, तब तक टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।